हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्वींस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपने ट्वींस बेबी की मालिश कैसे करती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे जो है सरसों का तेल ले रही हूँ। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और मैं मालिश जो है पैरों से स्टार्ट करती हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी दिखाने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए, पहले मैं इस तरीके से करने के बाद में मैं जो है फिर बाबू के जो पैरों के पास जो ये हड्डी होती है, इसको इस तरीके से करने से बेबी की हड्डियां मजबूत होती हैं। तो आपको भी करना है। और मेरे बेबी जो है अभी 15.5 महीने के हो चुके हैं। और देखिए, ये घुटनों में इस तरीके से करिए, इससे बेबी के घुटने मजबूत होते हैं और उसको जो है घुटनों चलने में और बैठने में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि और देखिए, इस तरीके से बाबू की आप भी मालिश करिए। और मैं बच्चों की मालिश जो है थोड़ा देर तक करती हूँ, जब तक बाबू करवाते हैं और जब तक वो रोते नहीं हैं, ठीक है। और ये मेरा छोटा वाला बेटा है, मेरे ट्विन्स हैं, तो अभी ये इतना प्रॉपर नहीं चल पाता है और मतलब अभी कोशिश कर रहा है। तो मैं मालिश पैरों में जो है थोड़ा अच्छे से ही करती हूँ और इस तरीके से मैं डेली करती हूँ, तो इससे बाबू को काफ़ी ज़्यादा चलने में हेल्प मिलती है। तो आप भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपका बेबी इससे छोटा है और अगर आप उसकी इस तरीके से मालिश करती हैं, तो आपको हाथ जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाने हैं। मेरा बाबू काफ़ी बड़ा है तो बेबी के अकॉर्डिंग ही हाथ चलाएं। अगर बेबी छोटा है तो आपको स्टेप सेम यही फॉलो करनी है, लेकिन आपको हाथ जो है स्लो रखना है, ठीक है। और ये देखिए, मैं इसे सेम दोनों पैरों में इसी तरीके से मालिश कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से बच्चों के जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हड्डियों में जो है मजबूत होती हैं। ये घुटनों में भी इस तरीके से थोड़ा देर तक करिएगा और ऐसा करने से भी बेबी के घुटने काफ़ी मजबूत होते हैं। इससे उसको जो है बैठने में, उठने में, खड़े होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और मैं इस तरीके से प्रॉपर मालिश करती हूँ तो इससे बाबू को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। और ये देखिए, इस तरीके से भी आप भी करिएगा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं। और जो है बाबू की मालिश आप जब तक करें पैरों में, जब तक कि बाबू रोए ना, ठीक है। और जब वो रोना और चिल्लाना चालू कर दे तो फिर ज़बरदस्ती आप बहुत देर तक ना करें। ये देखिए, मेरा बाबू मालिश करवाते समय बहुत ज़्यादा नहीं रोता है और मतलब उसको मालिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो आराम से करवा लेता है, ये देखिए। और उसके बाद मैं जो है पेट में मालिश करूँगी तेल लगाने के बाद में, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये देखिए, बाबू माला पकड़े था, क्योंकि माला उससे ले रही थी तो वो रो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर जो है पकड़े रहने दिया था। और ये देखिए, तो प्लीज़ आप यहाँ पे कोई भी कमेंट मत करिएगा। और बच्चे हैं, थोड़ा चीज़ मुंह में देते हैं, उसके बाद हम जो है पेट में मालिश करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मालिश करने से क्या होता है कि बेबी की जो गैस वगैरह होती है वो आराम से पास हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप करिएगा। और ये देखिए, उसके बाद मैं उंगलियों से इस तरीके से करूँगी, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये भी आपको थोड़ा देर तक करना है, ठीक है। मैं भी देर तक कर रही थी, लेकिन वीडियो में थोड़ा जल्दी करके दिखाना पड़ता है। और ये देखिए, फिर उसके बाद में हम जो है मालिश करने के बाद, उसके बाद हम बाजू में मालिश करेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर हम बच्चे की जो है कलाई पे भी इस तरीके से करेंगे, इससे बाबू की जो कलाई की जो हड्डी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। और ये देखिए, और मुझे सबसे अच्छा सरसों का तेल ही लगता है। और ये मैं गर्मियों में भी लगा देती हूँ बेबी के, और सर्दियों में भी। गर्मियों में मैं थोड़ा सुबह जल्दी मालिश कर देती हूँ और इससे बेबी को उलझन भी नहीं होती है। और फिर जब थोड़ा सा धूप आने लगती है तो मैं नहला देती हूँ, ठीक है। और ये देखिए, उसके बाद मैं जो है कानों में तेल डालूंगी। कान में 1 से 2 बूंद ही तेल डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। उसके बाद मैं चारों तरफ लगा देती हूँ तेल को। और ये देखिए, पीछे भी लगा दूंगी, इससे क्या होगा कि बेबी के कोई भी गंदगी नहीं जमती है। और जिन बच्चों की हम कान की सफाई नहीं करते हैं तो उनके जो है गंदगी इतनी ज़्यादा जम जाती है कि कर्स वगैरह भी हो जाते हैं, रेड रेड पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप मालिश करें तो बेबी के कान के साइड से भी ज़रूर साफ़ करें। और देखिए, इस तरीके से मैं दोनों बाजू में कर लूँगी, ये देखिए। उसके बाद में मैं इसकी भी कलाई पर भी इस तरीके से मालिश करूँगी प्रॉपर, ये देख सकते हैं आप। और मैंने अपने बड़े बेटे की पहले ही मालिश कर दी थी और आप देख सकते हैं, वो देखिए माला से खेल रहा है। और उसके बाद में मैं जो है बेबी के सर पे तेल लगाऊंगी, ये देखिए। इस तरीके से बेबी के सर पे तेल ठोकने से क्या होता है कि बेबी का सर मजबूत होता है और हमें ज़रूर तेल लगाना चाहिए। और ये ध्यान रखें, अगर आपका बेबी छोटा है तो आपको बहुत ही हल्के हाथों से ठोकना है, और आपका बेबी जैसे जैसे बड़ा हो आपको वैसे वैसे हाथ की स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद मैं तेल को चारों तरफ से अच्छे से बालों में लगा दूंगी, ये देखिए। थोड़ी देर में चम्पी भी कर देती हूँ।
और इससे बेबी को क्या होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। और मेरे बेबी को यहाँ पे नींद आने लगी थी, क्योंकि मेरे बाबू को आधी मालिश में ही नींद आने लगती है। तो ये आप देख सकते हैं वो कैसे हिल रहा था और अच्छे से नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसको सोना था। ये देखिए देखिए रोने लगा था। और बच्चों के जब भी हम मुंह पे तेल वगैरह लगाते हैं तो बच्चे अक्सर रोते ही हैं, ये देखिए। उसके बाद में हम पूरा क्लीन कर देंगे। उसके बाद देखिए मैं पीठ पे इस तरीके से मालिश करती हूँ, और मेरा ये बाबू जो है बहुत ही लेट बैठना शुरू किया था, तो मैं जब इसकी इस तरीके से मालिश ढंग से करती हूँ तो इसको काफी ज्यादा बैठने में भी रिलैक्स मिलता है और काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, ये देखिए। और मैं ये प्रोसेस भी काफी देर तक करती हूँ, ये देखिए। इस तरीके से करने से जो बच्चा बैठता है ना, तो हड्डी यहीं पे प्रेशर पड़ता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा स्पेशल मालिश करनी चाहिए काफी देर तक। इससे क्या होता है, ये चीज मजबूत होती है और बच्चों को बैठने में भी काफी रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा भी नहीं बैठ पाता है तो आप उसकी इस तरीके से मालिश जरूर करें, ताकि उसको बैठने में हेल्प मिले, ठीक है। और देखिए उसके बाद मैं बेबी को इस तरीके से भी लिटा लेती हूँ, और ऐसे भी बच्चों को बहुत मजा आता है मालिश करवाने में, तो मैं ऐसे भी थोड़ी देर तक कर देती हूँ। इससे बेबी को बहुत ही अच्छा फील होता है, और मालिश करने से क्या होता है, बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है, और हमें बेबी को मालिश जरूर करनी चाहिए, ये देखिए। और हमें मालिश बेबी के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि कुछ बच्चे होते हैं ना, स्टार्टिंग में पैरों को सीधा नहीं रखते हैं, तो हमें ऐसे पैर पकड़ के मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बेबी को पैरों को सीधा करने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो आप ये काम जरूर करें, ये देखिए। और इससे बेबी के जो है हड्डियां पैर वगैरह काफी मजबूत होते हैं, तो आपको मालिश जरूर देनी है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी, मैं जो है बेबी जॉनसन जो तेल होता है वो भी मैं यूज कर लेती हूँ गर्मियों में स्पेशली, और सर वगैरह पे मैं वो तेल नहीं लगाती हूँ, ये देखिए। फिर मैं एक्सरसाइज भी बेबी को करा देती हूँ, ये देखिए। इस तरीके से पैरों की एक्सरसाइज कराने से बेबी को जो है गैस वगैरह रिलीफ करने में आराम मिलती है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और मेरा बेबी हंस रहा था, उसको काफी अच्छा लगता है। तो आप ये जो भी एक्सरसाइज कराएं बहुत ही आराम से कराएं, जल्दबाजी ना करें, ठीक है, और बेबी के अकॉर्डिंग ही कराएं, ये देखिए। फिर मैं आपको यहाँ पे तेल भी दिखा देती हूँ। अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।